बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस कवर करवा दिया था, और आज हम लोग चैप्टर 7 करेंगे। चैप्टर 7 के अंदर हमारे पास जो करंट सिलेबस आया है सिंध बोर्ड का, उसमें सिर्फ 7.1 इंक्लूड हो रही है, बाकी 7.2, 7.3 एंड फर्दर जितनी एक्सरसाइज हैं वो इंक्लूड नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 7.1 करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं इस थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले रिव्यू दे देती हूँ ये चैप्टर है किस हवाले से। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को लेके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वेशन ऑफ सर्कल के अराउंड ही हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दो तरह की होती हैं, एक जनरल इक्वेशन होती है और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सूटेबल होती है हम लोग वो अप्लाई करते हैं। तो हम लोग मैं पहले लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को कौन सी दो इक्वेशन हैं, देन मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन करवाऊंगी। हमारे पास एक होती है जनरल इक्वेशन, जिसको हम कह रहे होते हैं जनरल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास है जनरल इक्वेशन, और इसके अंदर अननोन हमारे पास क्या होता है, जनरली अगर मुझे कोई जनरल इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास अननोन ये होते हैं जी एफ और सी। अगर मेरे पास जी एफ और सी आ जाए और मैं जी एफ और सी की वैल्यूज़ पुट कर दूँ इसके अंदर, तो मेरे पास इक्वेशन निकल आएगी। तो जनरल इक्वेशन के अंदर ये अननोन होते हैं मेरे पास, और जनरल इक्वेशन का सेंटर जो होता है हमारे पास वो हमेशा क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है हमारे पास है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन। दो तरह की इक्वेशन होती है, एक जनरल इक्वेशन होती है और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसका सेंटर क्या होता है हमारे पास, एच के, सही है। और इसके अंदर हम लोग रेडियस का भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये जो रेडियस है, अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो रेडियस हमारे पास होता है अंडर रूट जी स्क्वायर, सॉरी रेडियस जो है हमारे पास इस इक्वेशन में, अगर हम लोग को फर्दर इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए रेडियस को निकालना होता है, उस रेडियस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आर इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए रेडियस भी कैलकुलेट करना है तो वो मैं इस तरह की तरीके से निकाल सकती हूँ, या अगर मुझे रेडियस दिया हुआ और मुझे इनकी नंबर से कोई एक अननोन हो तो वो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। तो दो तरह की इक्वेशन हो गई, एक जनरल इक्वेशन हो गई और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। जनरल इक्वेशन के अंदर अननोन हमारे पास होते हैं जी एफ और सी, और सेंटर हमारे पास होगा माइनस जी माइनस एफ। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास होता है सेंटर एच के, और इसमें अननोन हमारे पास एच के और आर होते हैं। अगर मुझे ये तीनों वैल्यूज मिल जाए एच के और आर की, और उसमें मैं पुट करूँ तो मेरे पास सोल्यूशन आराम से निकल आएगा। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को पहला सवाल जो दिया हुआ है उसमें हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। और क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे सवाल के अंदर रेडियस बड़ा बड़ा मेंशन किया हुआ है, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब है कि मैं जनरल इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि जनरल इक्वेशन के अंदर हमारे पास रेडियस नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर रेडियस दिया हुआ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही मैं सर्कल की वैल्यू निकालूंगी। इसका पहला पार्ट करता है, सेंटर हमें क्या दिया हुआ है, 2, 3, और रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि इसमें डायरेक्ट एक्स और वाई की इसमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी। हम लोग इसको किस तरह करेंगे, एक्स माइनस एच, ये मेरे पास सेंटर है, मुझे पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर हमारे पास एच के होता है, तो ये एच है और ये के है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर
प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई इक्वल्स टू 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई, फोर प्लस नाइन माइनस 49। हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 36 के इक्वल। तो यानी ये मैंने एक इसकी इक्वेशन निकाल ली, हम लोगों की यही रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर कि इक्वेशन निकालनी। अच्छा, आप लोग अगर इसको चाहें तो जनरल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर दिया हुआ है तो मैं सेंटर को माइनस जी माइनस एफ ले लूँगी, ठीक है। और मुझे इस इक्वेशन में जी एफ और सी की वैल्यू रह जाती है, रेडियस दिया हुआ होगा, जी और एफ की वैल्यू मुझे पता होगी, तो मैं सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन जनरल इक्वेशन से बहुत लंबा और लेंथी सवाल हो जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन अप्लाई करने से बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही कर लें। अच्छा, इसी सवाल का अगर मैं तीसरा पार्ट करूँ तो उसमें हमारे पास सेंटर क्या दिया हुआ है, ज़ीरो ज़ीरो दिया हुआ है, और रेडियस हमने क्या दे दिया है, 2k, ठीक है। अब सेंटर, अच्छा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं जनरल इक्वेशन भी अप्लाई कर सकती हूँ, बल्कि चले आप लोगों को मैं एक ही मेथड से लेके चलती हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल तरीका है, जनरल इक्वेशन बहुत लेंदी तरीका है, ठीक है। अब सेंटर मुझे दिया हुआ है 0 0, अब सेंटर मुझे पता है एच और के होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, यानी वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर, 2k था तो ये 4k स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, इस सिंपली बस यही इसके पार्ट वन के यही सोल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड कंटेनिंग द पॉइंट सी कॉमा माइनस फोर। जब भी कोई एक हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह कंटेनिंग या लाइंग ऑन द पॉइंट या पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब होता है यानी उस पॉइंट को जो है ना उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, उस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह ये उस पॉइंट को पुट कर देना। इसी इसका यहाँ पे जो कंटेनिंग इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही है कि जो 3, -4 का इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें हम लोगों को इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, सेंटर हमारे पास ओरिजन है, सेंटर 0 0 यानी ओरिजन है। जब भी हमारे पास सेंटर 0 0 होता है तो ये हमें याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, उसमें एच और के की जगह 0 0 0 आ जाता है। तो जब भी आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल में ओरिजिन की बात हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वाली इक्वेशन को अगर आप हर जगह एच और के की जगह 0 पुट करें तो भी यही आंसर आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी इस तरह का आता है तो हम लोग डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं। और हमारे पास इन्होंने कहा है पासिंग थ्रू 3, -4। अच्छा, पहले हमें ये समझना होगा कि इस इक्वेशन के अंदर अननोन क्या है। इस इक्वेशन के अंदर अननोन सिर्फ रेडियस है, इसका मतलब है अगर मैं रेडियस निकालूं और रेडियस को वापस इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर ये 3, -4 से पुट कर रहा है, से पास कर रहा है या इस पर लाई कर रहा है, तो एक्स की जगह मैं 3 लिख दूंगी 3 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह मैं -4 का स्क्वायर लिख के आर स्क्वायर कर दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस 16 हमारे पास क्या हो जाता है 25, ये मेरे पास आर स्क्वायर आ गया। तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगी, ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं अगर पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इसका सिंपल सा सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसके अंदर क्या कहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड ड्रॉ द फिगर्स। अच्छा, हम लोगों के पास कभी क्वेश्चन नहीं आता ड्रॉ फिगर ड्रॉ करने का, इसलिए ड्रॉ द फिगर वाले पार्ट को तो आप लोग छोड़ दो। उसमें हमारे पास जो मेन पार्ट है उसमें क्या है, सेंटर और रेडियस निकालने,
और इक्वेशन का फॉर्मेट हमें बता रहा है कि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। इस तरह मैं अभी आप लोगों को जनरल इक्वेशन दोबारा लिख के दिखाती हूँ कि जनरल इक्वेशन कैसी है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमें पता है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास पहले सवाल का जो पहला पार्ट है अगर मैं उसको करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास है। तो ये मुझे इससे रिजेंबल करूँ, अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जनरल इक्वेशन की बात होगी। अब इस जनरल इक्वेशन में मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूँ, इसको कंपेयर कर दूँ मैं इस इक्वेशन से, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये एक्स एक्स सेम हो गया, ठीक है, यानी 2 और 2 भी सेम हो गया। या चलो आप लोग इस तरह कर लो, इसको मैंने ले लिया एक्स एक्स तो सेम हो गया, एक्स को छोड़ दो, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 2g, तो जी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 आ गई। इसी तरह एफ की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, एफ हमारे पास ये वाई वाई को तो मैं सेम है, इनको कंपेयर नहीं करूँगी, ठीक है, वाई वाई जो है इस इक्वेशन में सेम है, क्या बदल है, 6 इक्वल्स टू 2f, तो एफ़ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल क्या किया कि जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उसको स्टैंडर्ड, जो जनरल इक्वेशन हमें दी हुई है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जनरल इक्वेशन से मैंने उसको कंपेयर किया और जी और एफ़ की वैल्यूज़ निकाली। अब मुझे पता है, अब मुझे निकालना क्या है, सेंटर और रेडियस निकालना है। सेंटर हमारे पास क्या होता है, माइनस जी, इसका सेंटर हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का सेंटर मेरे पास है माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन का सेंटर निकालना होगा तो इसका मतलब है जी किस, ये भी माइनस जी है, ये भी माइनस एफ है, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 1 और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस सी। ये मैंने सेंटर निकाल लिया, एक पार्ट मेरा कवर हो गया। दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, रेडियस निकालने को। रेडियस का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और अच्छा, सी की भी मैं अभी बात कर लेती हूँ। यहाँ पे जी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू क्या मैंने निकाली है, 3 का होल स्क्वायर माइनस सी। अब सी को कंपेयर करेंगे तो सी क्या है, कांस्टेंट है। ये अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 15 लिख देंगे सीधा, साइन को ज़रूर इंपॉर्टेंस दें आप लोग। ये -15 है तो सी की वैल्यू की जगह मेरे पास -15 आएगा, तो -(-15), ठीक है। जब हम लोग रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, रेडियस का 5। तो मैंने सिर्फ दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो सेंटर निकालना था और दूसरा रेडियस निकालना था, सिर्फ इस पार्ट की हमारे पास यही रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं दूसरा पार्ट कराती हूँ उसमें हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। फॉर्मेट किस तरह किस सेंस में चेंज है, हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फॉर्मेट चेंज है इसमें, यहाँ पे ये हमें ये शो कर रहा है, ये फॉर्मेट हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जी और एफ की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं इसको कंपेयर करा रही हूँ जनरल इक्वेशन से, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है मेरे पास ना जी की कोई टर्म है ना एफ वाली आएगी, क्योंकि ना इसमें एक्स है ना वाई है, तो मेरे पास जो जी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मेरे पास एफ भी 0 हो जाएगा, सी मेरे पास क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। अब सेंटर मेरे पास क्या हो गया, सेंटर हमारे पास होता है माइनस जी माइनस एफ, यानी 0 0 हो गया, यानी ओरिजिन पे लाई करी थी ये इक्वेशन हमारे पास ओरिजिन पे लाई करी थी। और रेडियस हम लोगों ने क्या कैसे निकाला है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो 0 प्लस 0 माइनस सी माइनस इंटू -36 विच इज इक्वल टू 6, तो ये रेडियस मेरे पास इसका 6 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँगी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द सर्कल। फाइंड द सर्कल का मतलब है यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे इन्होंने हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली है, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, 3, 0, 0, -2 और -3, 4, ये तीन कोऑर्डिनेट्स इन्होंने मुझे दिए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर जनरल इक्वेशन लिखूँ, वो हमारे पास क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन अननोन होते हैं, एक जी होता है, एक एफ होता है और एक सी है। ये तीन अननोन की वैल्यू मेरे पास मिल जाए तो मेरे पास इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूँगी, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब तीन हमेशा हमें ये आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जितने अननोन्स होते हैं हमें उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं। जैसे यहाँ पे तीन अननोन हो गए, जी एफ और सी, इसका मतलब मुझे तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इन तीन अननोन को निकालने के लिए। अगर दो अननोन निकालने होते तो मैं दो इक्वेशंस बनाती, लेकिन यहाँ पे तीन अननोन है तो मैं तीन इक्वेशंस बनाऊंगी। और वो तीन इक्वेशंस अब बनेंगी कहाँ से, इन तीन कोऑर्डिनेट से तीन इक्वेशंस निकलेंगी। किस तरह, सबसे पहले हम लोग करेंगे थ्रू 3, 0। अगर ये लाइन जो है 3, 0 से पास करी, इसका मतलब है ये एक्स है होता है, ये वाई होता है। इसका मतलब है इस इक्वेशन के हर एक्स और वाई की जगह मैं 3 और 0 लिख दूंगी। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया +0 + 2g × 3 + 2f × 0 + c = 0। ठीक है, ये मेरे पास 9 हो गया, ये मेरे पास हो गया 6g + c = 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया। इसी तरह सिमिलरली मैं दूसरे पार्ट्स का भी एक इसी तरह से करूँगी। अब अगर मैं कहूँगी थ्रू 0, -2, 0, -2 का मतलब है इस इक्वेशन में हर एक्स की जगह 0 और हर वाई की जगह मैं -2 पुट करूँगी। तो 0 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 2g × 0 + 2f × -2 + c = 0। ये मेरे पास हो गया 4 - 4f + c = 0। मैंने दूसरी इक्वेशन ये निकाली। अब मैं इन इक्वेशंस को, जो मेरे पास तीन इक्वेशन आएंगी, उनको मैं सिर्फ सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज़ निकालूंगी, उनको इस इक्वेशन में पुट करूंगी, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब मैं तीसरा पार्ट जो करूँगी वो थ्रू है हमारे पास -3, 4। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2g × -c + 2f × -4 + c = 0। 3, 3 जो 9, 9 + 16 हमारे पास क्या हो जाता है, 25 हो गया, -6g - 8f + c = 0। ये मेरे पास इक्वेशन सी आ गई। तो तीन इक्वेशंस आ गई है मेरे पास, तीन ही अननोन है जी एफ और सी। अब इन तीन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगी और जी एफ सी की वैल्यूज निकाल के इस फाइनल इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी। अच्छा, जो मेरे पास तीन इक्वेशंस बनी है वो कौन कौन से, 9 + 6g + c = 0 एक ही आ गई। दूसरी मेरे पास क्या है, 4 - 4f + c = 0 ये मेरे पास आ गई बी। और तीसरी मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 25 - 6g + 8f + c = 0 ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं ए और बी को सॉल्व कर लूँगी, या वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे और सी की वैल्यू उसमें से निकल आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, तो 9 + 6g + c = 0 और 4 - 4f + c = 0। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं सी को एलिमिनेट कर दूँगी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये मेरे पास माइनस हो गया। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 आ गया +6g, g और f सॉल्व नहीं हो सकते, तो +6g और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, +4f = 0 आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की है वो ये की है कि मैंने कोई, हम लोग जब भी तीन इक्वेशन आ जाती हैं और उनको सॉल्व करना होता है तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग ये करते हैं कि कोई एक कांस्टेंट, कोई एक अननोन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको दोनों इक्वेशंस में, और दो इक्वेशंस बनाते हैं और उस अननोन को दोनों इक्वेशंस में से कैंसिल कर देते हैं। किस तरह,
मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ना हर एक जो दो मैं इक्वेशन बनाऊंगी उन दोनों में से सी को एलिमिनेट कर दूंगी। तो पहले मैं क्या करूंगी, ए बी को सॉल्व करके सी को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन बना दूंगी, जिसको मैंने इक्वेशन ये ए बी और सी कर देते ना, सो जिसको मैंने इक्वेशन वन कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, बी और सी को सॉल्व करके उन दोनों में से सी कैंसिल कर दूंगी, तो मैं जो इक्वेशन, तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। फिर उन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसी एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी आप लोगों के पास तीन इक्वेशंस दी हुई हो और उनको आपको सॉल्व करना ना आ रहा हो, तो कोई एक अननोन सेलेक्ट कर लो और ना उसी को कैंसिल करते जाओ। ठीक है, पहले तो मैंने ए बी सॉल्व किया, अब मैं बी सी सॉल्व करूँगी। इक्वेशन सी हम लोग ले लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं इक्वेशन बी को। सी में बस क्या है, 25 माइनस 6g प्लस 8f प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और 4 यहाँ पे हम लोग ज़ीरो डाल देते हैं, जी की वैल्यू नहीं है ना, तो माइनस 4f प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब मैं इसको सबट्रैक्ट करना चाह रही हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चलो आप कुछ भी ना लिखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरे पास हो गया माइनस हो गया, ये मेरे पास प्लस हो गया, और ये मेरे पास माइनस हो गया। ये सी मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 25 माइनस 4 मेरे पास क्या हो गया, 21 हो गया। ये अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं कि अगर यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं था तो हम लोग इसका साइन चेंज करें, इसका साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन का होता है, तो ये एज इट इज़ उतर आएगा। तो 21 माइनस 6g 8 9 10 11 12 प्लस 12f इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैंने क्या किया है बेसिकली, अब मैंने ये किया है कि दो इक्वेशन ऐसी बना ली जिसमें सिर्फ g और f है। ठीक है, ये मेरे पास है 12f है, ये मेरे पास है 4f। अब ये मेरे पास 6g है, ये माइनस 6g है, मैं क्या करूँगी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँगी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करने से होगा क्या, ये मेरे पास माइनस 6g है, ये मेरे पास प्लस 6g है, दोनों को ऐड करूँगी, 6g कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास इजीली f की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 प्लस 6g प्लस 4f इक्वल्स टू ज़ीरो, और 21 माइनस 6g प्लस 12f इक्वल्स टू ज़ीरो। 26 हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, 4 5 6 16f इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16f इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन 16। f की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस 13 अपॉन 8। मैंने f की वैल्यू जो अपनी निकाली है वो क्या क्या है, माइनस 13 अपॉन 8। अब मैं a में पुट करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, मैं b में पुट कर दूँगी, b में पुट करके मैं क्या करूँगी, c की वैल्यू निकाल लूँगी। अब इक्वेशन बी इम्प्लाइज दैट 4 माइनस 4 इंटू एफ की जगह मैं डायरेक्ट माइनस 13 अपॉन 8 लिख रही हूँ, और ये मेरे पास माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आएगी, माइनस 21 अपॉन 2। एक सी की वैल्यू निकाली मैंने, एक सी की वैल्यू निकाली और एक मैंने निकाली एफ की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दूँगी, इक्वेशन ए के अंदर मैं पुट करूँगी तो मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, 9 माइनस 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 6g। सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4। तो हमने क्या काम बेसिकली करना ये था, जी एफ और सी की वैल्यूज़ अननोन की वैल्यूज़ निकालेंगे जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर मैं पुट करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है हमारे पास, 2gx प्लस 2f की बारे माइनस 13 अपॉन 8 प्लस सी होता है यानी माइनस 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये 2 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, यानी x अपॉन 2 आ गया। ये मेरे पास क्या होगा, 2 1 2 2 4 8 हो गया, और ये मेरे पास माइनस 21 अपॉन 2 है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास 2 है, ये 4 है और ये 2 है, मैं ये करूँगी कि ना डिनोमिनेटर में सबको 4 कर दूँगी। डिनोमिनेटर 4 करने के लिए इस इक्वेशन को मुझे 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 4 है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे।
हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x² + 4y² + 2x - 13y - 42 = 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास इस वीडियो लेक्चर कि जितने भी मैंने पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे वो कवर करे हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करवाऊंगी। फॉर एनी क्वेरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।